So now we will discuss about some important carbon compounds, okay, like ethanol and ethanoic acid, which is given in our syllabus. So ethanol, okay, just now we have seen the reaction of ethanol, how this ethanol is converted, okay, by a presence of catalyst like alkaline catalyst like potassium. हमने जो देखा था, हमने क्या देखा था अभी वाला, यस, KNO4 पोटेशियम परमैंगनेट देखा था, ओके, एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट देखा था. इन प्रेजेंस ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. सो इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ओके, सो विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग इसकी, ओके, प्रॉपर्टीज क्या है. देर आर मेनी मोर कंपाउंड, ओके, ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड ही है, बट इसके बारे में हम लोग देखेंगे. ओके, देर आर वेरियस कार्बन कंपाउंड. ओके, सो हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है, इनकी प्रॉपर्टीज दी हुई है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो इथेनॉल CH3CH2OH. ओके, सो दिस इज इथेनॉल. सो विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. सो इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ओके, ये क्या है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. इट इज, इट विल फॉर्म इन अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ओके, एट रूम टेम्परेचर. आप इसको अगर देखोगे तो ये लिक्विड दिखता है, बट ये वोलेटाइल सब्सटेंस है. ये क्या है, वोलेटाइल सब्सटेंस है, ये वैपोरेट हो जाएगा अगर थोड़ा सा भी इसको टेम्परेचर मिल गया तो. सो इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. आप देख सकते हो टेबल 4.1 में. ओके, आप टेबल 4.1 में आप देख सकते हो, बहुत ही पहले, ओके, आई थिंक फर्स्ट ही इसमें, फर्स्ट सेकंड पेज पे ही है. ओके, 59 नंबर पेज पे आप देख सकते हो इथेनॉल. मेल्टिंग पॉइंट इज 156 केल्विन, लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 351 केल्विन. ये थोड़ा सा ओके है, ठीक टेम्परेचर, ओके, 273 प्लस समथिंग टेम्परेचर इज देयर फॉर इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बट इसका मेल्टिंग पॉइंट देखोगे आप बहुत ही कम है. सो इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडियंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स. तो जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स है उसमें क्या होता है, इथेनॉल होता है. ओके, सो जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक है, इट इज कॉमन नेम इसका अल्कोहल है, बराबर है, कॉमन नेम क्या है इसका, अल्कोहल है. ओके, एंड अल्कोहलिक ड्रिंक में ये मोस्टली होता है, ये होता ही होता है. ओके, इथेनॉल इज प्रेजेंट इन ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स. इन एडिशन, बिकॉज इट इज अ गुड सॉल्वेंट. व्हाई, क्यों ऐड होता है ये इथेनॉल, बिकॉज इट इज गुड सॉल्वेंट. ओके, इट इज गुड सॉल्वेंट. आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा आपके कप सिरप में भी, बराबर है, आपने देखा होगा कप सिरप, मोस्टली जो मेडिकल जो सिरप्स है उसमें भी ये प्रेजेंट होता है इथेनॉल, बिकॉज इट इज गुड सॉल्वेंट. ये क्या है, गुड सॉल्वेंट है. ओके, सो दैट्स व्हाई. इन एडिशन, बिकॉज इट इज गुड सॉल्वेंट, इट इज ऑल्सो यूज इन मेडिसिन. ओके, कहाँ पे यूज होता है ये, इट इज ऑल्सो यूज इन मेडिसिन, यूज इन मेडिसिन. ओके, हम लोग इसके प्रॉपर्टीज देख रहे हैं और एप्लीकेशन दोनों भी देख रहे हैं एक साथ. यूज्ड इन मेडिसिन, मेडिसिन में यूज करते हैं हम लोग इसको. ओके, सो इट इज यूज्ड इन मेडिसिंस सच एज टिंक्चर आयोडीन, कप सिरप एंड मेनी टॉनिक्स. ओके, बहुत सारे टॉनिक्स में ओके ये यूज किया जाता है. ओके, इथेनॉल यूज किया जाता है. ओके, बट कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डायलूट इथेनॉल कॉजेस ड्रंकनेस. ओके, तो ड्रंकनेस होता है इससे. And consumption of small quantity of dilute ethanol causes drunkenness. Even though this practice is condemned, it is a socially widespread practice. Okay. So, however, intake of even small quantity of pure ethanol, okay, called as absolute alcohol, can be lethal. Also, long-term consumption of alcohols leads to many health problems. आप लोगों को पता ही है. Okay. So, reactions of ethanol, we'll see reaction of ethanol. Okay. So reaction with sodium, okay, reaction with sodium and reaction to give unsaturated hydrocarbons, these two reactions we'll see about the ethanol. So dekhenge hum log. Okay, so these are the properties. It is exists in a liquid form at room temperature. Okay, mostly it is present in all alcoholic drink. It is a good solvent, and as it is a good solvent, it is used in a medicine may be used kiya jata hai. Okay, so this is about the properties and some few applications of this ethanol. We'll see how it is reacting,
how it is reacting with the sodium. So reaction of ethanol, we'll see reaction of ethanol. We'll see reaction of ethanol, how it is reacting with the sodium. So very first, reaction with sodium. Reaction with sodium. Reaction with sodium. So reaction with sodium. Sodium, we know the formula of sodium is twice CNA, and formula of ethanol CH3CH2OH. So when it is reacting, when it is reacting with this, it gives rise to a sodium ethoxide. So twice CH3CH2ONA, and it releases a hydrogen gas. And this compound, and this compound is called as the sodium ethoxide. Okay, this is called as the sodium ethoxide. Sodium ethoxide. Ethoxide. It is a salt. Okay, it is a salt. When sodium reacts with ethanol, gives rise to this compound. This compound is called as the sodium ethoxide, and it will liberate the hydrogen gas. Hydrogen gas liberate karega. So alcohol react with sodium, leading to evolution of hydrogen. आप देख सकते हो वहाँ पे hydrogen gas evolve होता है. जब भी sodium react करता है alcohol के साथ, ethanol के साथ. Okay. So with ethanol, the other product is sodium ethoxide. Can you recall which other substances produce hydrogen on reacting with metals? कौन सा substance react करता है metals के साथ तो hydrogen gas liberate करता है? बोलो. इट इज एसिड. बराबर है ना? एसिड जब रिएक्ट करते हैं ना, हमने देखा हुआ है ना प्रॉपर्टी एसिड एंड बेसिस. सो दीज आर द कंपाउंड्स, व्हेन दे रिएक्ट विद द मेटल्स गिव राइज टू अ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. हमने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में. ओके, सो दिस इज कलरलेस, सोल्यूबल इन वॉटर. ओके, सो एक्टिविटी भी दिया हुआ है 4.6. Drop a small piece of sodium about size of couple of grains of rice into ethanol. Okay, sodium ko kya karo, ye is reaction se aap dekh sakte ho, activity number 4.6. so whenever the sodium ka ek chota sa particle kisme add kiya hai, ethanol mein add kiya hai, to kya form karega? it will form sodium ethoxide. Okay, it will form sodium ethoxide and it will liberate the hydrogen gas. What do you observe? The liberation of hydrogen gas. How will you test the gas evolve? कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे हाइड्रोजन को जो इवॉल्व हो रहा है? इसको हम लोग बर्न करेंगे. अगर ये बर्न हुआ, ओके, सो बर्निंग बाय ब्रिंगिंग सम फायर नियर टू दैट पर्टिकुलर कंटेनर. ओके, देन रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन विथ एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथेन. आप देख सकते हो उसका ये सेकंड रिएक्शन है. ओके, सेकंड रिएक्शन दैट CH2OH इज हीटेड. ओके, इथेनॉल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. सो इट विल गिव CH2 डबल बॉन्ड CH2 C2H4. ओके, C2H4. What is C2H4? Ethene. T-H-E-N-E. Alkene compound मिलता है हमें, बराबर है? Double bond से indicate करते हैं हम लोग. Alkene compound को आप देख सकते हो, C2H4. CnH2n is the general formula of alkene compounds. Okay. तो देखो क्या हो रहा है इसमें. Ethanol in presence of hot concentrated H2SO4 when it reacts, okay, so it will split it into ethene. Ethene में convert हो जाता है ये, alkene में convert हो जाता है. तो रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो ये क्या दे रहा है हमें? ये सैचुरेटेड है, बराबर है ना? ये सैचुरेटेड है. ये क्या मिल रहा है हमें? अनसैचुरेटेड मिल रहा है. अनसैचुरेटेड. ओके, सो रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सो हीटिंग इथेनॉल विल गिव अस अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एंड This is called as the result in the dehydration of ethanol. आप देख सकते हो उसमें क्या हो रहा है, dehydration of
इथेनॉल हो रहा है, दिस इज इथेनॉल, आप देख सकते हो H2O उससे बाहर सेपरेट हो रहा है, H2O सेपरेट हो रहा है, सो H2O सेपरेट हो रहा है मींस व्हाट, इट इज अ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, सो द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो H2SO4 जो यूज किया हुआ है यहाँ पे, दिस H2SO4 इज व्हाट वी कैन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट वी कैन से। सो दिस इज अबाउट द इथेनॉल एंड देयर प्रॉपर्टीज। ओके।